ने ये प्रण लिया है कि जैसे कई सरकार जो आती हैं पेड़ पौधे लगाती हैं उसी तरह चले जाते हैं, उसके संरक्षण के लिए कुछ नहीं होता। आज हमने प्रण लगाया है जहाँ भी पेड़ पौधे छोटे बड़े जो भी हैं उनको हम लोग को देख रेख करनी है और उनको डेवलप करना, और एक प्रण और लिए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष कि आज के बाद पॉलिथीन का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, जूट बैग का। और कहीं भी सफ़र में जाते हैं तो अपने साथ में जैसे कुछ बीज जैसे नीम के हुए, जामुन के हुए वगैरह वगैरह लेके जाएंगे, जिसे रोडों किनारे फेंकने पे और बरसात के बाद फिर से पुनर्जीवित हो सके। पर्यावरण संरक्षण दिवस पर हम लोग अपने विद्यालय में जितने पौधे लगे हुए हैं, गमले हैं, सब में उसकी देखभाल की गई है, सबको जल दिया गया है। ये देखा गया है कि कहाँ कहाँ जल ठीक से उद्यान विभाग द्वारा नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग चिन्हित करके और नियमित सारे पौधों की देखभाल के लिए आज प्रण लिए। पर्यावरण संरक्षण दिवस के दिन आज युवाओं ने और शिक्षकों ने मिलकर पौधे लगाए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पौधे लगाना अलग बात है और पौधों का संरक्षण करना अलग बात है, क्योंकि सरकारें और संस्थाएं भी पौधों को लगाने का काम करती हैं, लेकिन चंद दिनों में ही वो पौधे बढ़ने के बजाय अपना दम तोड़ देते हैं या आवारा पशु में चर जाते हैं या किसी और भी दंश की वो भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे में सवाल ये होता है कि युवा कब जागेगा और कब इन पौधों को संरक्षित करने के लिए कदम बढ़ाएगा। गाजीपुर से उज्ज्वल राय टीवी के।